इसके पहले जो एक बात अभी आई थी और मैं उसको कोट इसलिए कर रहा हूँ कि बीपी मंडल साहब ने जो संसद में भाषण दिया था 1977 में वो संसद के सदस्य थे और उस समय जो एट्रोसिटीज ऑन हरिजन्स करके एक बिल पर डिस्कशन था, सत्ताधारी दल यानी कि जनता पार्टी के तरफ से उनको बोलना था, चरण सिंह गृह मंत्री थे और चरण सिंह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने इस बात को रखा कि जो तमाम एट्रोसिटीज हो रहे हैं दलितों पर, उस समय हरिजन शब्द का इस्तेमाल हो रहा था संसद में, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस पर बैकलैश नहीं हो रहा है, दलितों के तरफ से इसका मुकाबला नहीं हो रहा। और उन्होंने ये कहा कि ये आश्चर्य का विषय नहीं है कि वे क्यों नहीं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसका विरोध बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो अपने रिपोर्ट में जो एक खास बात है जो आज बहुजन समाज की जो हम बात करते हैं उसमें जो माइनॉरिटीज हैं वो भी मंडल कमीशन के तहत में आ रहे हैं और उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। मैं सिर्फ दो सजेशन देना चाहूंगा, जो अभी बात हुई कि दलित समाज और पिछड़े समाज को बांटने की कवायद चल, ये भारतीय जनता पार्टी या तमाम जो ऐसे मनवादी विचारधारा है उनका प्रयास रहता है कि इसी समाज में हम बताएं कि आपके हिस्से का वो खा रहे हैं और इस बात की पुष्टि करने का कोई औपचारिक या कोई कंफर्म्ड डेटा नहीं है। सेंसस में जो बात आ रही है कि जातिगत जनगणना हो वो इस वजह से कि अगर आप पेड़ को, पौधों को, स्कूटर को, मोटरसाइकिल को गिन सकते हैं तो यह भी जानना जरूरी है कि जो अभी बात आई कि रिजर्वेशन वर्ड ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन ऑब्सोलीट हुआ है कि नहीं, यह जानने के लिए हमें जानना है कि 49.5% रिजर्वेशन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। यह तब पता चलेगा जब समाज की गणना होगी उनको किस जगह उनको वो नौकरी है कि नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं है। और रोज ये लगभग प्रयास किया जा रहा है कि जो पिछड़ों की बात छोड़िए, जो दलितों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, भारत में सभी जगह 1950 में लागू हो गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दलितों का आरक्षण 1997 में लागू हुआ और आज उसको छीना जा रहा है। तो ये लड़ाई हम सबों की साझी लड़ाई और इस साझी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं अभी भानु प्रताप सिंह बैठे हुए हैं, डॉक्टर रतन लाल है और हमारे कई साथी हैं, जय भगवान साहब भी जब भी आमंत्रित करते हैं, एक बहुजन जो थॉट है उसको प्रमोट करना जरूरी है। इस भीम संसद का जरूरत इसलिए है कि बाबा साहब के नहीं रहते तो पिछड़ों दलितों की बात तो है ही, पिछड़ों को भी आरक्षण इस वजह से मिला क्योंकि उन्होंने संविधान में इसका प्रावधान किया। और शायद कम लोग जानते हैं कि जो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया नेहरू के कैबिनेट से उसमें तीन बातें थी, उसमें पहला बात हिंदू कोड बिल था, उसके साथ साथ ओबीसी आरक्षण नहीं किया जा रहा था, कमीशन नहीं बनाई जा रही थी, उसके विरोध में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। तो तमाम जो डिप्रेस्ड सेक्शन है और चाहे वो ओबीसीज हो या दलित हो, उनकी जो जो श्रद्धांजलि है बाबा साहब के प्रति, अगर भीम संसद के माध्यम से वो श्रद्धांजलि के स्वरूप एक एकता बनती है, तो आज जो ईवीएम के कारण हमारी जो वोट की ताकत छिन गई है और जिसमें हम सब, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।